देखो ऑर्डर थोड़ा टाइम से दे देना, मेरी किचन में लिमिटेड सामान होता है। आई एम गोना फाइट विद दिस बुलशिट बाहर है। नंबर 1 बुलशिट गाय रैबिट। ओह अबे झूला गया। ओह माय हैप्पी न्यू चैनल। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। सो गाइस सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। एंड मैं अभी विश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लॉग आई थिंक एक या दो को डलेगा। एंड आज 31 दिसंबर है। एंड मैं बताता हूँ ये मतलब फर्स्ट टाइम है ऐसा कि मैं न्यू ईयर पर पार्टी करने वाला हूँ। आज तक जिस मतलब इससे पहले जितने भी न्यू ईयर हुए ना मैंने आज तक कभी पार्टी नहीं करी। मैं अपना 12 बजे तक अपने कजन्स वगैरह के साथ जागता था और हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते थे और मैं सो जाता था। अमन ने तो शायद करी होगी बट मैं नहीं करता था और मैं सबको देखता था यार ये भी पार्टी कर रहे हैं, ये भी अपना मस्त पार्टी कर रहे हैं। फाइनली आज हम करेंगे पार्टी। एंड अब मैं भी थोड़ा बहुत चिढ़ाऊँगा ना। एंड या और जस्ट कल हम राज के घर गए थे एंड हमने वहाँ पे डिस्कस करा कि क्या क्या सामान की रिक्वायर्ड है और डेकोरेशन के लिए क्या क्या करना है क्योंकि डेकोरेशन भी हमने खुद ही करनी है। और हम डेकोरेशन राज के घर ही करने वाले हैं। उसके घर में कुछ गार्डन टाइप एक जगह तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा कुछ डेकोरेट हो सकता है तो जस्ट हम वहाँ पे डेकोरेट करेंगे। अभी कुछ लाइट्स वगैरह लाएंगे, बलून्स वगैरह लाएंगे एंड बहुत सारा सामान लाना है वो देखते हैं अभी। तो फिलहाल जस्ट अभी मैं तो रेडी हो चुका हूँ, चेतना रेडी हो रहे हैं, फिर हम निकलते हैं सामान वगैरह लेने। बाकी मैं आप सबको दिखाता ही रहूँगा तो चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं लोकेशन पे एंड ये देखो अबे झूला गया। ओह माय ओह शिट। तो हम यहाँ पे डेकोरेट करने वाले हैं एंड ये देखो झूला गिर गया। बेसिकली अभी जस्ट हम यहाँ पे लाइट लगाएंगे सेंटर में एंड उससे वो हट वाला टाइप का बनाएंगे। मेरे को आता नहीं वैसे, इन्होंने डिसाइड करा था जो करा था। और ये झूला हमने साइड कर दिया, सोफा हमने साइड कर दिया है और ये पूरी क्लीन हो चुकी है। राज यहाँ झाड़ू मारेगा। ओह थैंक्स। ये लाइट्स यहाँ पे ना गाने लगा दे, चिल करते हुए करेंगे चिल। हाँ भाई मैं करा दूंगा तुम्हें, गाने तो तुम्हें पता ही है। ये देखो तरुण ने उठा रखा था। तो मैं बोल दे रहा हूँ भाई रुको। जटा जटा शीशम बजा ढोली। ये देखो एक उंगली पे कृष्ण जी ने एक उंगली बैठाया था, मैंने एक हाथ उठा लिया बस। अभी वो पर्वत था ये झूला है। क्रिसमस का सामान फाइनली वसूल हो गया पैसे और अच्छी तरह यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। और फिलहाल हमने ये लाइट्स वगैरह लगा दी हैं थोड़ी बहुत, 3 लेयर बाकी की लगनी है सारी। अभी ब्लॉग छोड़ो काम कर बैठ के हमसे करा। हमारी सस्ती स्नोफॉल दोबारा आ चुकी है गाइस। अभी मैं थोड़ा ऊपर वगैरह चढ़ता हूँ, मेरे से थोड़ा काम करा रहे हैं बच्चे से, कर लेता हूँ मैं। बच्चा मैं आती हूँ, रुका। मेरा प्लान था कि मैं साल के पहले। तो दीदी हमें दे रही हैं फैंटा। और ये मेरा बाहर है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बाहर। ओ देखो यहाँ पे बना रखा है ऑरेंज कलर की, पिलाती हूँ कोल्ड ड्रिंक। गाइस यहाँ पे सब मिलेगा, चाय बनवानी है चाय मिल जाएगी। हाँ फैंटा बनवानी। देखो ऑर्डर थोड़ा टाइम से दे देना, मेरी किचन में लिमिटेड सामान होता है। किचन में बाहर नहीं पहले पहले आपको चाहिए मुझे क्या क्या बनाना है। आंटी आप यहीं पे बना लेना अपना, हम यहाँ पे खा पी लेंगे अपना। नहीं दीदी मैंने मैंने दीदी हाँ दीदी दीदी डोंट कॉल मी आंटी, मैं कुछ खाने को नहीं। दीदी मेहनत के हाथ है। अरे आपने कहा करिए, आप तो जानू जी गंदे करके आ गए। ये देखिए मेहनत के हाथ है गंदे हुए, मेहनत के नहीं है थरुण के हाथ है थरुण के। फिलहाल फ्रूट्स भी आ चुके हैं गाइस एंड
इतनी मेहनत के बाद खाने के बाद खाने का मन अलग ही होता है, मतलब मजा क्या बोल रहा हूँ। कितना मस्त लग रहा है। अभी वाली लाइट भी चल रही है। अभी थोड़ा रिव्यू लेते हैं। आंटी तो चली गई वैसे। आंटी आपको कैसा लगा हमारी डेकोरेशन? यार कमाल में, नेक्स्ट कॉन्टेक्ट भी तुम्हें ही देने वाली हूँ। हम सोच रहे हैं कि हम एक अपना पेज खोल लेते हैं डेकोरेशन का। लेकिन मेरे को थोड़ा कंसेशन चाहिए होगा भाई। अच्छा हाँ। जो ये वाली जगह है यहाँ पे हम गद्दे बिछाएंगे, चार आएंगे आई थिंक, मतलब चारों से कवर हो जाएगा, सारा नहीं मतलब साइड, मतलब इतना बीच का पार्ट जो है कवर हो जाएगा, एंड बीच में टेबल रखेंगे जहाँ पे हम कुछ खाएंगे पियेंगे। एंड या फिलहाल इतना हो चुका है, और अभी फिलहाल सबकी हालत भी बहुत टाइट है, भूख भी लग रही होगी इन्हें तो, कि इन लोगों की हालत टाइट। तुम्हारे में जान है कुछ करने की? तुम्हारे में क्षमता है काम करने की? तुम्हारे में है? तुम्हारे में है ना, तूने मुझे आंटी कहा? दीदी तूने मुझे आंटी कहा? दीदी दीदी चला यहाँ से। दीदी ने मेरे को भेज दिया। नहीं दीदी, मैंने बोला दीदी। गाइस ये लड़का अभी अपनी किसी फ्रेंड के बर्थडे पे जा रहा है भाई, मतलब और हमें ही सफाई करनी है, मतलब यहाँ की सारी। Yeah. आधे घंटे में फिर मुझे सफाई करनी। झूठ बोल रहा, कह रहा कि 5 बजे आऊंगा मैं अपना। 5 नहीं भाई, 5 बजे ट्यूशन है मेरा। अच्छा ट्यूशन की तो छुट्टी मार रहा ना तू? हाँ। मन इसका पूरा जाने का? अरे रहने दे, ये देख एटीट्यूड भाई, मेरे पैर में चोट लगी, मेरा जूता भी घुस रहा। गाइस कल ना इसने अपनी एक्टिवा खुद ठोक ली तो इसके पैर में चोट लग गई। गाइस चला ये रहा था। मेरी फिलहाल में टी शर्ट पूरी गंदी हो चुकी है जो उधर से पहन के आया था। एंड अभी जस्ट थोड़ा फेस वॉश वगैरह करने की सोच रहा हूँ, बट सोच रहा हूँ कि थोड़ा और काम करना है उसके बाद करूँगा। गाइस मेहनत करके खाने में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 8 बैलून फुलाए। अंकल ने 8 बैलून फुलाए। 8 फुलाए, 8.5 वो जो है ना उसकी हवा निकल, मतलब 8 ही गिनेंगे हम। बस उन बैलून्स के फूटते हुए ध्यान रखना, क्योंकि वो कोल्ड वाले बैलून हैं। शादी वाली हरकतें कभी नहीं छोड़ता। जब भी मैं खाने बैठता हूँ, कैमरे से बाहर होता है ऐसे। आज इतना अच्छा अपने बर्थडे में लग रहा है। गाइस देखो पूरा सूट पहन के जा रहा है राज भाई। एक काम कर, साइकिल पे जा, एंट्री अपनी अलग ही दे। अमेज़न वाला। चुका है एंड यहाँ पे हमने 2 ट्री लगा दी क्रिसमस ट्री, एंड यहाँ पे 2022, एंड या वहाँ पे बॉनफायर का है सब कुछ। यहाँ पे जब थोड़ी सी रात हो जाएगी, मतलब 1 बजे करीब, हम यहाँ पे अपना सब कुछ लगाएंगे और बैठेंगे मस्त, और उससे पहले यहाँ पे बैठेंगे। बस अभी यहाँ पे गद्दे लगने रह गए, बाकी सब कुछ हो चुका है। एंड अभी राज अभी तक पार्टी से नहीं आया, अमन गया है बैंक, और आंटी और अंकल गए हैं राज को लेने। राशि दीदी और मैंने ऑलमोस्ट आता करा है फिर उसके बाद, उनके बाद उनके जाने के बाद, तो ये ऑलमोस्ट वैसे हो चुका है। बस यहाँ पे गद्दे लगने रह गए हैं एंड थोड़ी सफाई वगैरह, बाकी सब कुछ हो चुका है। चुका है ये बंदा, बता कैसा लगा? अब बहुत अच्छा है यार ये तो भाई। साला मेरे बिना कर लिया तुमने और बहुत सही। अभी गद्दे लगने स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पे कर्टेन लग रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये दीदी और मैंने करा है सारा। दीदी हमने करा है ना, सिर्फ हमने करा, तुम सब चले गए थे, अमन चला गया बैंक, तू चली गई घर, इशिता चली गई राज बर्थडे पे। देख ये मैंने लगाया, ये मैंने पंखे पे चढ़ के लगाया, और ये थैंक यू। वेलकम। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं हम क्या खाने के लिए मंगवाएंगे। क्रैनबेरी एंड मिक्स फ्रूट ले लेंगे, और मैं तो चिंग्स पिज़्ज़ा खाऊंगी भाई।
और मैं खाऊंगा अपना कॉर्न, बोलना पड़ता है तभी लेता है कॉर्न चीज बस ना बोलो तभी लेता है। हां इसको भी कोई जरा क्रंच चाहिए अपने, हां ताकि मसाला परी हूं मैं ये गाना डाल देगा मेरे पास परी हूं मैं इस भाई राशि के ऊपर डाल दे मीम, ज़ूम कर देगा मैं परी हूं मैं परी हूं मैं गाइस अभी हम जा रहे हैं घर वापस एंड जस्ट अभी हम रेडी होके आएंगे, अभी फिलहाल 7 या 8 बज गए हैं, 7 बज रहे हैं शायद, हाँ तो जस्ट अभी हम घर जा रहे हैं एंड जस्ट घर से 1 घंटे में अपना रेडी होके आते हैं। एक तो सुबह से इतना करके ना फेस पे डस्ट इतनी हो गई है और पूरा फेस ना गंदा हो रखा है, तो अपना नहा धो के ही आऊँगा मैं अभी और अमन भी नहा धो के आएगा अपना मस्त, उसके बाद रेडी होके आते हैं। देखते हैं क्या पहनूँ आज मैं, पता नहीं मेरे को क्या पहनूँ स्टिल, देखते हैं अभी फिलहाल घर जाते हैं, घर जाके मिलता हूँ मैं आपको। और थकावट बहुत हो गई यार, खुद डेकोरेशन करके ना बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज, कोई नहीं मज़ा आया आज करने में, नया एक्सपीरियंस में। हो चुके हैं रेडी जाने के लिए और सब अपने आउटफिट दिखा दो, चेतना दिखाओ अपना आउटफिट, तो ये चेतना का आउटफिट है, अमन अपना आउटफिट दिखाओ, अमन तो बिल्कुल सबसे अलग ही बनता है, और वो छोटा वाला कमरा बताया ना कौन सा होता है, एंड ये इशिता, आकाश अभी ऊपर है एंड मेरा ये आउटफिट है, मतलब अंदर ब्लैक हुडी है एंड ऊपर ये जैकेट है और नीचे ब्लैक है, पूरा रेडी हो चुका है ये का, ये भी सब कुछ हो चुका है एंड अब फाइनली हम करेंगे पार्टी। हो गया yes. गाइस बट एक बैड न्यूज है एक्चुअली, आज अंकल हमारी पार्टी में मतलब हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि वो गए लखनऊ, उन्हें इम्पोर्टेंट जाना पड़ गया था, तो वी मिस यू अंकल और हम उनके साथ वीडियो कॉल पे करेंगे मस्त अपना पार्टी, ठीक है। क्या बना दूं पिज्जा आ चुके हैं एंड ये हो रखी है पिज्जा पार्टी। Yeah!
दीदी एंजॉय करो। क्या बोल रही थी तू? मैं कह रहा था हाय। वैसे ही बोल। अब तू वैसे ही बोल। I love you guys। ये कौन सी है? इसने अभी मेरे को बहुत गंदा बोला। दम मारो दम। तू बाहर आ गया? हाँ ये कर लो पहले। दीदी आप इतनी बड़ी हैं, आपकी इज्जत करनी चाहिए, आप भगवान समान हैं। किरण तो रैपट मारूंगा। अरे वाह क्या एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग के बादशाह हैं ये तो। इज्जत के बच्चों एक बात बताओ, तुमने बॉन्ड बैटल करी नहीं? एक्टिंग के बादशाह हैं ये तो। एक्टिंग के बादशाह हैं ये तो यार। मैनेजर जो 10 किलो लकड़ी थी वो तो लगी रही नहीं हमारी। आंटी अभी 12:30 तो है, 4 बजे तक हम यही है, 5 बजे तक। अरे आंटी फुल मजा ही यार। जिंदगी क्या है, चलने लगे। रैबिट और बंदर वापस आ चुके भाई। बंदर कहाँ है तू? बंदर आ रहा है। रुको, वेट वेट, बंदर एकदम आएगा देखो। हाय बंदर, आई एम बंदर बॉय। ये हाथी, आई एम गोना फाइट विद दिस। हाय माय नेम इज खट्टा द व्लॉगर। खट्टा द व्लॉगर, आई एम गोना फाइट विद दिस बुलशिट गाय। नंबर 1 बुलशिट गाय रैबिट। ओहो गाइस, अभी हम खेलने का प्लान बना रहे हैं कार्ड्स। एंड वाओ व्हाट अ शॉट। अमन वो बैग दे दे चिप्स वाला। मैंने सबको मारा लेकिन आपको मार के क्या लगा? डर लगा। हाथ कांपने लग गया। दद्दू देखो दीदी इसमें क्या होता है गेम में। दद्दू तू भी ना, तूने दुखी कर रखा सबको। मेरी बात सुन रहा है यहां पे कोई? इस गेम में ना क्या होता है, मैंने कहा था गेमर स्पिरिट है। कोई सुन रहा है? न्यू कैप यार, जल्दी बताओ कौन सा जा रहा है डिटेक्टिव किलर। इधर मार के लगा ना, वो उधर भी लगना चाहिए भाई। चश्मा लगा होता है वो, लगता है नाक पे बार बार। यही तो फायदा है। अब मार दियो चीज वाला खाना है किसी। अरे वो सालसा डिप खत्म हो गई? नहीं दो लाए थे। अरे यार क्यों मारे जा रहे हैं? दीदी ने कहा था अब मार। मेरे को क्यों मार रहे हैं? नोनी तू भी ना। नोनी मेरे दो बच्चे हैं, मैंने आज से बेबी सिटिंग स्टार्ट कर दिया है। पापा बस ये देखो। हाँ भाई मिंकू बोलो। पापा बोलो, बोले बोले पापा। मिंकू बोलो भाई। तो आज मैंने बेबी सिटिंग स्टार्ट कर दिया है एंड ज़्यादा फीस नहीं है, बस 4-5 लाख है। और ये भी देगा भी 4 लाख इसके, 4 लाख इसके, 8 लाख ऐसे हो गए। घर भेज दो अपना, अकाउंट में ट्रांसफर करा दो। धमकी दे रहा है घर भेज दूंगा वापस। भेज दूंगा उसने बोला है पागल। अच्छा मुझे लगा बदनाम। दद्दू तेरे तो कुत्ते से पूछ लगा गया है, 4 लाख फीस है। दद्दू दद्दू कुत्ते से पूछ लगा गया है, 4 लाख फीस है। अमन अपनी बात कर रहा है। भाई एक बात तो क्या कर रहा है? तो अभी 4 बजने वाले हैं एंड दे बी लाइक कल बॉनफायर स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमें आती नहीं है लगानी एंड फाइनली शायद लग चुकी है। गाइस जैसे आज हमने डेकोरेशन फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, आज हम बॉनफायर भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया जिसमें। मैंने डेकोरेशन पता कितनी करी? ये देखो ये बंदे ने बहुत मेहनत करी। इसने अपना ये बंदा ऐसा है, अगर इसके साइड में कोई बैठ गया ना और अगर ये कुछ खा रहा होगा तो सामने सामने आप खुद बोल दोगे कुछ नशे करके आए। ये देखो आंखें देख लो बंदे की। मैं जल्दी सो जाता हूँ गाइस, नशे करने लग गया है मैं बता रहा हूँ। आज डे 2 है, मतलब आज 1 जनवरी है एंड मैं घर आ चुका हूँ। कल रात को हम बहुत ज़्यादा थक गए थे सब, मतलब वन फायर के बाद मतलब ऐसी हालत हो गई थी भाई, अब तो सो ही जाते हैं। हमने मूवी भी लगाई थी बट मूवी 5 मिनट चली, उसके बाद सबको ऐसी नींद आई, सब सो गए। मैं फिर सुबह उठा एंड अभी 12:30 बजे हम उठे, फिर हम घर आए वापस एंड अभी 1:30 हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होता हूँ
एंड ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। सो आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मेरे को कमेंट में बताना कि आप सबको ब्लॉग कैसा लगा, एंड ये भी बताना कि हमारी डेकोरेशन कैसी लगी वो जरूर बताना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।